सियासत व्यापार खेडां ते फिल्म जगत दे नाल देश दुनिया दी हर वड्डी खबर दे लई हुणे डाउनलोड करो देश दी नंबर वन न्यूज़ ऐप दैनिक सवेरा टाइम्स। राष्ट्रीय सिख संगत दे अखिल भारती प्रमुख गुरचरण सिंह गिल ने एक प्रेस बयान जारी किया जिस दे विच उन्होंने कहा कि कोरोना दे इस दुनियावी संकट दे दौर च एक दूसरे ते दोष लगाउण दा सिलसिला लगातार जारी है। उन्होंने कहा कि शेखर चंद्र ने नंदेड़ साहब तो पंजाब पुजे सिख श्रद्धालुओं की तुलना असिधे रूप च तबलीगी जमात नाल कीती है जिसका कि गुरचरण सिंह गिल ने विरोध किया। गौरतलब है कि गुरचरण सिंह गिल ने कहा कि गुप्ता दे वलों ट्वीट दे विच कहा गया सी कि वायरस किसी धर्म द्वारा नहीं फैलाया जाता जिस तो बाद के हुण इसे तरह का बयान ही दिग्विजय सिंह दे वलों भी दिता गया जिस दे विच उन्होंने कहा कि पंजाब दे अंदर सिख श्रद्धालुओं ने कोरोना वायरस का संकट गहरा कर दिता। इस बयान तो बाद गुरचरण सिंह गिल ने कहा कि इस बयान का लगातार हर एक दे वलों विरोध किया जा रहा है। गुरचरण सिंह गिल ने अपने बयान दे विच कहा कि लगभग एमरजेंसी जे हालातों दे विच जो सारे नूं राजनीति ते विचारधारा नूं छड्ड के एकजुट हो के संकट नाल जूझना चाहिए तो इसे दे दरमियान अजिही बयानबाजी बेहद गलत है। उन्हां अजिही बयानबाजी करन वालियां नूं सलाह दिंदे होए कहा कि संकट की घड़ी दे विच एक दूजे का साथ देना चाहिए ता जो कि देश नूं कोरोना मुक्त किया जा सके ना कि अजिहा कि महामारी दे इस दौर दे विच एक दूजे ते इल्जाम लगाए जाण। गुरचरण सिंह गिल ने अपने बयान दे विच कहा कि नंदेड़ साहिब तों आए सिख श्रद्धालुओं ते लगाए जा रहे इल्जाम झूठे ने जिसकी कि वह निखेधी करते हैं। उन्होंने कहा कि सिख श्रद्धालुओं ने कुछ भी छुपाने की कोशिश नहीं की ते सिख हर हाल दे विच प्रशासन की मदद कर रहे ने। ब्यूरो रिपोर्ट दैनिक सवेरा टीवी।